आज हम पहुँचे हैं BHU के एम्फीथिएटर ग्राउंड पे, काशी तमिल संगमम में। ऊपर लिखा हुआ है वड़क्कम काशी। तो आपको बता दें कि वड़क्कम का अर्थ हिंदी में होता है, वड़क्कम तमिल का शब्द है, इसका हिंदी में अर्थ होता है नमस्ते या प्रणाम कह लीजिए। तो वड़क्कम, आपको नमस्ते कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं और वेलकम कर रहे हैं काशी तमिल संगमम में। नीचे उसका लोगो लगा हुआ है, एक तरफ विश्वनाथ मंदिर है और एक तरफ मदुरै मीनाक्षी मंदिर की अनुकृति है। तो ये इसका लोगो है, काशी तमिल संगमम का। अब हम चलते हैं अंदर की ओर। ये गेट है, देखिए भव्य गेट है। तो ये है देखिए काशी तमिल संगमम। एक तरफ से चलते हैं इधर से। अरे यार इतना बड़ा लफड़ा। तो ये है स्टॉल, देखिए तमिलनाडु क्विजीन। इधर क्विजीन्स का सेक्शन है। बाटी चोखा, बनारसी थाली, बनारसी पान, जलेबी, ये सब है। बिरयानी, टोमेटो राइस, पुली ओगरे वगैरह वगैरह। 16 को थिनाई निपू अढ़ाई। ये देखिए कुछ अलग तरीके की डिश। कुछ यही पानी आरम, सक्करई पोंगल, परगुपाल को झुकट्टी। तो ये सब हैं डिशेस, वेन पोंगल, रागी ठेंगा मावू, ये सब हैं। कल तो टाइम में नहीं है, परसों कहाँ दिल्ली से। इधर भी क्विजीन सेक्शन है, तमिलनाडु क्विजीन। ये जो है कल्चरल प्रोग्राम्स का पंडाल है काशी तमिल संगमम। ऊपर तमिल में लिखा है, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश और उसके बाद वड़क्कम काशी आप देख सकते हैं। और बाएं तरफ फिर काशी विश्वनाथ मंदिर और इधर मदुरई का मीनाक्षी टेम्पल। और नीचे भी बना है, बाएं तरफ काशी विश्वनाथ टेम्पल, ये है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का बोर्ड लगा है विश्वनाथ मंदिर के बगल में। तो इन सब मिनिस्ट्रीज़ ने मिल के ये किया है ऑर्गेनाइज। और इधर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है, ये जो मदुरई टेम्पल है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का बोर्ड लगा है। SZCC मेरे को लगता है साउथ जोन कल्चरल सेंटर होगा। 17 नवंबर से 6 दिसंबर तक काशी तमिल संगम में आप सभी। तो ये है सामने बड़ा स्टेज बना हुआ है, पंडाल देखिए कितना बड़ा है। पूरा हम चल के आपको दिखाएंगे अंदर तक। निःशुल्क प्रवेश है इसमें। ये जो कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं वो यहाँ होते हैं, सामने स्टेज है। स्टेज पर फिर बाएं तरफ काशी विश्वनाथ मंदिर और दाहिने तरफ मदुरई मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, ये है। देखिए बड़ा सुंदर स्टेज बना है, मानना पड़ेगा ये है। देखिए ऊपर इसी पर प्रोग्राम होते हैं, जो कल्चरल प्रोग्राम्स डांस ड्रामा वगैरह के वो इसी पे होते हैं। फिर इस पर बाएं तरफ काशी विश्वनाथ मंदिर, दाहिने तरफ मदुरई।
मीनाक्षी मंदिर, यह है स्टेज, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के संयुक्त तत्वावधान में, ये देखिए इसको मैंने जूम किया, आप देख सकते हैं। तो ये हो गया वापस जूम इन करते हुए, राइट में हम जा रहे हैं। ये बाहर का दृश्य है, व्यू आउटसाइड। ये पंडाल है, जर्मन हैंगर पद्धति बना हुआ। यहाँ पर देखिए इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स के द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स, चित्र हैं यहाँ पर। तो मोस्टली मंदिरों के हैं। यहाँ पे देखिए ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर ऊपर, और नीचे अय्यर परार टेंपल, जलकंटेश्वर टेंपल, और इधर ब्रह्मपुरेश्वरार टेंपल नीचे। ये तो ये थीम जो है टेंपल्स की है पूरी, रंगनाथ स्वामी टेंपल श्री रंगम तमिलनाडु, कोडुमुडी मगुडेश्वर टेंपल तमिलनाडु, और इधर रंगनाथर स्वामी मंदिर नामक्कल। ये सभी मंदिरों के चित्र हैं। और इधर बहुत अच्छा, ये देखिए हैंडीक्राफ्ट रखा हुआ है, ये एक दो तीन तीन यहाँ रखे हुए हैं। और ये फिर बृहदेश्वर मंदिर ये वाला है बीच में ये, और नीचे है गंगईकोंडा चोलापुरम तमिलनाडु। सभी मंदिर हैं ये, उनको आप देख सकते हैं मंदिरों के चित्र। लोग बड़ी उत्कंठा के साथ ये देख रहे हैं और फोटो खींच रहे हैं। कुल मिला के कंटेंट बड़ा अच्छा है यहाँ पे संगमम में, काशी तमिल संगमम में। और ये जो काशी और तमिलनाडु का कनेक्ट है उससे बहुत बढ़ेगा। और आज यहाँ पर ये भी मनाने की योजना है देव दीपावली, क्योंकि आज तमिल जो देव दीपावली है वो उसका दिन है। यहाँ पे देखिए एक और हैंडीक्राफ्ट रखा हुआ है, टेराकोटा का है ये, और फिर मंदिरों के चित्र। और एक अंदर प्रदर्शनी है, उसमें भी जाया जा सकता है, देखते हैं। और ये देखिए जो देव दीपावली का मैं बता रहा था, देखिए ज़मीन पर अभी भी दिए जल रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं। देव दीपावली मना ली गई, इनफैक्ट यहाँ पर देखिए दिए जलते हुए ज़मीन पर दिए जलाए गए थे, उनमें से बहुत सारे दिए अभी भी प्रकाशमय हैं। तो ये तमिल देव दीपावली। और इधर हम चलते हैं इस पंडाल के अंदर, ये कवर्ड पंडाल है। तो इसमें भी देखिए इधर वड़क्कम काशी ये है। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का चित्र है, कैबिनेट मिशन के बारे में बताया है। कैबिनेट मिशन भारत की एकता को बनाए रखने और अपनी स्वतंत्रता प्रदान करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार से भारतीय नेतृत्व को शक्तियों के स्थानांतरण पर चर्चा करने के उद्देश्य से भारत आया था। यह है कैबिनेट मिशन, ये पूरा आज़ादी के बारे में बताया है। देखिए धीरन चिन्नमलाई, इनके बारे में लिखा हुआ है, देखिए ये है धीरन चिन्नमलाई, और ये रानी वेलु नचियार, ये है इनका जीवन वृत्त। सिपॉयज ऑफ वेल्लोर, वेल्लोर म्यूटिनी में इनका रोल रहा बहुत बड़ा।
और फिर हैं मारुधु ब्रदर्स, ये सब तमिल जो वॉरियर्स थे आज़ादी की लड़ाई के, उनके चित्र हैं। और आगे ओंडी वीरन ये हैं तमिल योद्धा लड़ाई के। पुली थेवर, इन्होंने भी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। और फिर हैं वीर पंडिया कट्ट बोम्मन, आज़ादी के योद्धा। और उसके बाद हैं महावीरन अलगु मुथु कोन, इनकी तो तलवार से ही लगता है कि ये आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने हिस्सा लिया। और फिर इधर स्वराज पार्टी का कुछ है, आरएसएस का गठन के वी हेगड़ेवार ने किया। ये गांधी जी हैं। गांधी जी ने खादी को राष्ट्रवाद, समानता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनाया। और आगे स्वामी विवेकानंद का भी चित्र है, और माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी। और फिर ये तमिलनाडु की प्रमुख हिंदी फिल्म हस्तियां, देखिए तमिलनाडु की प्रमुख हिंदी फिल्म हस्तियां, वैजयंती माला का चित्र सबसे पहले दिया है, उसके बाद हेमा मालिनी, और फिर हैं रेखा, फिर हैं श्रीदेवी। और उसके बाद रजनीकांत, सुपर हीरो तमिलनाडु से रजनीकांत। और फिर कमल हासन, जो अपनी एक्टिंग के लिए विख्यात हैं, बेहद खूबसूरत एक्टिंग करते हैं और उसके लिए पुरस्कृत हैं कई बार। ए आर रहमान, संगीतकार बहुत बड़े, ये भी हाईली डेकोरेटेड म्यूजिशियन है। और धनुष अभी यंग जनरेशन के हैं तमिल कलाकार, यह धनुष। तो दोस्तों, वड़ंकम काशी आपने देखा, तो आपसे हम अनुरोध करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करिए अभी तक नहीं किया तो, और जो घंटी का बटन है उसे दबाइए फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। सभी वीडियो देखिए, अच्छे लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। इसी के साथ विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, हर हर महादेव।